हूँ बच्चों, आरबीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। आज हम लोग कक्षा पांचवी की एक कविता पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है जंगल में मंगल। पाठ 9 हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो बनाए हैं इस कविता के ऊपर। यह हमारा तीसरा वीडियो है क्योंकि यह कविता काफी लंबी है। राजेंद्र रघुवंशी जी की कविता है जो एक बाल कविता मतलब है, बच्चों के लिए लिखा गया कविता ये है। और ये उतना इसमें ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे कि आप लोग समझ ना सके। बहुत ही साधारण शब्द में उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो इस कविता में उन्होंने वन्य जीवन को बहुत अच्छे से परिभाषित किया कि वन में भी किस प्रकार एक जीवन है, किस प्रकार वहाँ पे खुशियाँ है, वहाँ के जानवर किस प्रकार एक दूसरे से खुशियाँ मना रहे हैं, है ना। जैसे कि हम लोग अपने परिवार के साथ कितना खुश होते हैं क्योंकि उनसे हम लोग घुल मिल चुके हैं, है ना। और जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो जो हमारे हम उम्र के हैं तो उनसे हम लोग बातचीत करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है कि वन में भी जो जानवर लोग हैं उनके मतलब मिलनसार, जैसे कि जिनसे वो मिलकर रह सकते हैं, वैसे बहुत ऐसे जानवर हैं, इसलिए वहाँ पे खुशियाँ है। जंगल में मंगल जो हमारा शीर्षक है इस हिसाब से बहुत ही सटीक बैठता है कि जंगल में मंगल है कि नहीं, लेकिन जंगल में काफी मंगल है क्योंकि वो वहाँ पे काफी खुश है। वहाँ पे सूरज भी आता है जो हमारे इस धरती पे आता है, है ना, जो हम लोग भी महसूस करते हैं सूरज की रोशनी को। फिर चांद भी आता है, फिर पानी भी आती है, नदियां भी है, बरसात भी है। मतलब कहने का तात्पर्य है वहां पे एक जीवन बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए इस पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए, रोली। पाठ 9 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए ये शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग कठिन शब्द देख लीजिए बच्चों। चौकड़ी का अर्थ होता है छलांग, चौकड़ी का अर्थ होता है छलांग। चिरौटा का अर्थ होता है चीरा, मतलब एक प्रकार का पौधा होता है, उसकी जो लड़े होती है वो गिरती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। मछुआ का अर्थ होता है मछलियां पकड़ने वाला। मचान का अर्थ होता है शिकार के लिए, जैसे कि शिकार के लिए बहुत कोई देखते हैं आप लोग खेत खलिहान में देखते होंगे, बाहर जाते होंगे तो एक मचान जैसा बनाया जाता है, बांस की लड़ी को छोटा छोटा पतला पतला काट के ऊंचा मतलब ऊंची की तरफ बनाया जाता है ताकि वहां से शिकार किया जा सके। मचान शिकार के लिए बांस आदि से बनाया गया ऊंचा स्थान, वो ऊंचा बनाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कहीं पे बना के आदमी वहां पे पहरा भी देते हैं अपने खेत खलिहान को, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इस पाठ से क्या होगा बच्चों कि हम लोग वन्य जीवन से परिचित होंगे और वन्य से हमारा लगाव भी बढ़ेगा। हाँ, और हाँ, हम लोगों को इस पाठ के बाद पेड़ पौधे से थोड़ा लगाव ज्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोग उससे रूबरू हो रहे हैं। और इससे प्रेरित होकर आप लोग क्या कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, एक पौधे की देखभाल कर सकते हैं, है ना। और जानवर को कभी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। तो इस पाठ के बारे में हम लोग जानेंगे बहुत सारा। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। सुर हिलाता हाथी चलता। हाथी कैसे चलता है, अपनी सुर को हिलाकर चलता है ना। और वो बहुत ज्यादा पानी में रहना पसंद करता है और वो काफी कम सोता है हाथी, 4 से 5 घंटे ही हाथी सोता है। तो आप लोगों को हाथी के बारे में भी जानना है। जब हम लोग इस पाठ से प्रश्न उत्तर करेंगे तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन भी दे सकती हूँ कि आप लोग हाथी के बारे में परिचय बताइए, या हिरण के बारे में बताइए, या घोड़ा के बारे में बताइए, है ना। तो बहुत कुछ आप लोगों को इससे भी मैं पूछ सकती हूँ। तो सुर हिलाता हाथी चलता, हाथी की आवृत्ति हम लोग याद करते हैं तो गणेश जी की भी याद आ ही जाती है आप लोगों को। तो ऐसे ऐसे आप लोगों को जोड़ के पढ़ना है। गर्दन ऊंट उठाकर चलता। गर्दन ऊंट उठाकर, जो ऊंट होता है कितना उसकी गर्दन जो होती है कितनी लंबी होती है, उसके बारे में बताया गया है कि सबसे लंबी और काफी आकर्षक होती है, देखने में काफी मनमोहक लगता है, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा है हमारा हिरण चौकड़ी भरता रहता। हिरण जो है छलांग मार मार के चलती है। हिरण बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक दिखता है, उसके जो रंग होते हैं बहुत ही अलग से होते हैं। और हिरण की नाभि में क्या होते हैं, उसको कस्तूरी होता है जो काफी सुहावना होता है और सुगंधित होता है, औषधि के रूप में भी काम आता है। घोड़ा सरपट सरपट भागता, मतलब घोड़ा कैसे भागता है, अपने दोनों 4 पांव से वो जो चलता है तो बहुत ही आवाजें होती है ना। घोड़सवारी बहुत लोग कोई करते हैं तो इसके बारे में भी जानेंगे आप लोग। शेर दहाड़ा, तो फिर क्या हुआ, अचानक से जंगल में कौन आया बच्चों, शेर का प्रवेश होता है। शेर के प्रवेश से क्या होता है, सब कोई डरे हुए है। शेर का जो शरीर होता है काफी भारी भरकम होता है और जब वो आवाजें अपनी जोर से दहाड़ मारता है तो
बहुत दूर तक उसकी आवाजें आती है और वो काफी तेज चलने वाला जानवर है। तो जब वो दहाड़ मारता है तो जंगल में क्या होता है, अशांति फैल जाती है, अमंगल छा जाता है। सरपट पांव धरे सब भागे। मैंने कहा ना कि शेर की जो दहाड़ होती है इतनी जोर होती है, इतनी तेज होती है कि सबको मतलब नंगे पांव कहने का, सर पे पांव धरे सब भागे कहने का अर्थ है कि वो बिना होश हवास गवाए बैठे सबको भाग रहे हैं। शेर झपट्टे मार रहा था। शेर क्या कर रहा था, नहीं बोलते हैं कि जैसे कि शेर ने इस पे हमला किया है, तो झपट्टे कहने का अर्थ है कि जो निशान है लोगों पे पड़ रहे हैं, शेर यहाँ पे मार रहा है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ हम लोग हाथी के बारे में जाने, ऊंट के बारे में जाने, हिरण के बारे में, घोड़े के बारे में, शेर के बारे में, चार पांच जानवर से हम लोग परिचित हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कौवा काँव काँव कर भागे। यहाँ पे कौवा भी क्या कर रहा है, काँव काँव कौवे की जो 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 ध्वनि है, जो साउंड है, उसके बारे में बताइए कि कौवा कैसे बोलता है, वो भी दहाड़ से किस प्रकार भाग रहा है। भूला अपना नाच मयूरा। मयूर जो होती है, मयूरी मयूर जो होते हैं, नाचते हैं ना अपनी पंखों को फैलाकर। जब वो खुश होते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, अपनी पंखों को फैलाकर नाचते हैं। तो वो अपना नाच भी भूल बैठा है क्योंकि वहां पे किसका प्रवेश हो गया है, शेर का प्रवेश हो गया है। टहनी से गिर गया चिरौटा, जो मैंने बताया इससे पहले आप लोगों को, चिरौटा का अर्थ है चीरा, वो पेड़ का जो लड़ी होती है, पौधे होते हैं, उसके फल होते हैं, वो भी गिर गए हैं क्योंकि बहुत सारे जानवर उस पे लदे हुए हैं। तो वो जब आवर दावर में भाग रहे हैं, एकदम हड़बड़ाहट में भाग रहे हैं, तो क्या होता है, टहनियां भी गिर रही है। मुर्गा पलट रहा था पूरा, मतलब सब कोई बहुत असमर्थ हो गए हैं अपने शरीर से, अपने मन से, है ना, वो भी भाग रहे हैं। वो भी भागा कुकुरुकू करके। तो मुर्गे की जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो कैसा होता है, कुकुरुकू। बहुत ऐसी जगह है, पहले के टाइम में कहा जाता था कि मुर्गा ही लोगों को कुकुरुकू करके उठाता था, है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। फुरफुर उड़ गए चिड़ैया। चिड़ैया जो होती है कैसे उड़ जाती है, वो किस प्रकार उड़ गई है, उसके बारे में बताया गया। शेर उधर बढ़ जब गुर्राया। शेर उधर बढ़ जब गुर्राया, मतलब जब शेर उस जंगल में अचानक से आता है तो किस क्या क्या वहां पे हलचल मच जाती है, क्या क्या अशांति आ जाती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोग इस कविता को बहुत अच्छे से जाने हैं, बहुत अच्छे से समझे हैं। तो आगे की वीडियो में इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यह कविता काफी लंबी है, तो हम लोगों को इसको आराम से करना है। इसमें जितने भी शब्द आप लोगों को कठिन लगे, एक एक स्टेंजा को आप लोगों को अच्छे से करना है। 1 2 3 यहाँ पे 8 स्टेंजा हम लोगों को पढ़ने हैं, तो 4 हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग अच्छे से सारांश लिखिएगा जो जो मैंने समझाया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।